मिला करा। समझ ले, मेरे माथे पे लिखा है हलाल, यानी हलाल करना। उसको छोड़ दे वरना दुनिया छुड़वा देनी है तेरी। सत मिला करो। इतनी ताकत है कि तेरे जैसे कई कमीनों को मार सकता हूं। वार चिट्टे हो जाए तो दिमाग में कोई रंग शंग नहीं रहता। बेरंगी बालों से कभी अच्छी सोच नहीं आ सकती। ओए गुलजार परांदी, ये मियां जी वारस अली हैं। चल, बहुत पहले से जानता हूं मैं इसको।
मियाँ जी वारस अली क्यों जानता है तो अपने आदमियों को लेकर यहां से चला जा बदला लिए पगार सुखी लकड़ी को बदले की आग ना बखा नहीं तो सेक तेरे घर तक भी पहुंचेगा धमकी नहीं तेरी मिया जी फारे तेरी और बंदी तेरे भतीजों ने दोबारा वो वाली हरकत की तो इस धमकी पर अमल भी हो जाएगा गुलजार परांदी जवान खून है अब तूने भी जवानी में इश्क किया था अगर उनकी नजरें मिल गई तो आज क्यामत आ गई है क्यामत आई है क्यामत आई है इस महल में इस महल में नजरें मिलती रही है कोई नई बात नहीं है अगर उन बच्चों में दिल आ गया तो मैं क्या करूं शादी कर दे उनकी सत बिस्मिल्लाह करा तेरे मशवरे पे अमल करके भी देख लेते पर अब उससे मिलवा जिसके नाम के बड़े चर्चे सुने शुक्र कर वो यहां नहीं है नहीं तो तुझे इतनी लंबी तकरीर करने की मोहलत ना देता फिर तो मिलना पड़ेगा उससे अब मैं जा रहा हूं मियां जी फिर आऊंगा गुप्ता पुत्री तू रफीक को लेके अंदर जा चल शाबाश है चल तो बात होगी ऊपर चलो भाई चलो जाओ शाबाश जाओ अपने को रखो भी परी पैकर को कुछ ना बताना हम मियां जी वो हमने लड़ाई वो दानी नहीं है देख मेरा पुत्री बदमाश और बगैरत मुकाबले पे आ जाए तो पहले बगैरत को मारना लेकिन जब बगैरत बदमाश बढ़ जाए तो फिर जरा सोचना कि मेरा ससुर इस दुनिया से लगा तो नहीं गया ए, क्या हुआ है अब मेरी मार से बचने के लिए ड्रामा तो नहीं कर रही क्या हुआ माल माल मुझे माल दान से माल दे ताकि तेले दिल तो ठंड फल जाए माल दे पता छुरी और ड्रामेबाज रंगू की तरह ठीक है ना माला नहीं माल मुझे ये पतंग धुली और मार दे मुझे वही वही खून ये चोट कैसे लगी तुझे मुझे नहीं पता
वो इतनी ज्यादा चोट लगी तूने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताती, तूने पट्टी कर देनी थी या डॉक्टर के पास ले जाना था? ले दस, वो बंदा अगर कुछ ना भी कर सके तो थली तो दे सकता है कि नहीं? अपने पास ला था अपनी थली। वो पर ये चोट लगी कैसे? बता रही थी कि बाहर तुझे बचाते हुए लगी है। मुझे? और एडी मासूम ना मन, बीवियां अपने खामन के लिए जान दे देती है। निक्की सी चोट खाई है इसने, जख्म तो होके पट्टी बांधे से। बड़ी ड्रामे बात, जाए कुकाफ दे जिन देता ये धंधू जो कभी मेरे लिए जान देता था, अब मेरे लिए दाल लेने से नहीं मिलता। चुप कर, इसलिए तो अब हमेशा दुआ करती हूँ कि इसको भी कोई इसके जैसी मिल जाए। और यार बताया तो है कि कुछ नहीं हुआ, जा वाल कटा के आया है, वाल चुभ रहे होंगे, जा ना जाके मेरा पुत्री, जा शाबाश। अगर कुछ नहीं हुआ मिया जी तो इन सबके मुंह क्यों लटके हुए? अंधेरी आई थी, जब बारिश हुई तो रुक गई। ओखी मिसालें ना दे मिया जी, सीधे लफ्जों में बताएं इसे क्या हुआ। फिर है मुंह तेरा, तुझे कहा भी था उसे एहसास भी ना होने देना। मिया जी प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, बताएं मुझे क्या हुआ। वो बताए ना मिया जी, बताए ना क्या हुआ यहाँ पे, मैं बताता हूँ। तेरा भी फिट है बता क्या हुआ? पर पुत्री जो आके चला गया उसका क्यों पूछना? मेरा दिल कह रहा है मिया जी यहाँ कुछ गलत हुआ। बोल बता, मैं बताता हूं। जाने मन जाने जिगर परी पैकर, गुलदार फरांदी आया था, मेरी तो खैर है पर मजमे में सबके सामने आपके इकलौते ब्रदर इन लॉ को चपेड़े मार के गया है। वो मैं तो मार खाता ही रहता हूं पर अगला कामी साहब को कुट के गया है। फिर है मुझ तेरा ए? तेरे हाथ पैर टूट गए थे या मुकाबला करने का हौसला नहीं था तुझमें? मिया जी बीच में आ गए, हमने दुश्मनियां नहीं पालनी पुत्री, मोहब्बत मोहब्बत करने वालों में बांटी जाती है। मिया जी चले कामी, अरे रुक परी पैकर, बुरी कड़ी अगर टल जाए तो उसे कड़ी बुरी वापस नहीं बुलाते। बुरे को बुरे के घर में मार के लाया तो मेरा नाम परी पैकर नहीं, किस पे रखा था तेरा नाम? आपने वापस ले ले, उस दिन आपने मांगा था, आज मैं वापस दे रहा हूं। और चूड़ियां उतार के दे। उतार, ये ले पकड़े मिया जी, अरे मेरे हाथों में बच के सिर पे दुपट्टा डाल के घर में बंद कर दिया।
ताकत। मियाँ जी कह रहे हैं तो रुक जाओ ना फरीदे। तुम तो इनका कहा डालकर तू वसली मत बनो। मौत मारे ना मारे मियाँ जी, पर आप लोगों की इन बातों ने बड़ी बेकर मार देना। मर गया परी पैकर थे माँ बाप भी क्या चीज होते हैं। इधर औलाद के मुंह से बात निकली उधर उन्होंने पूरी कर दी। पर रखू अब कौन है इस दुनिया में जो रघु से ये कहे कि रघु तू बोल तो सही मैं पूरा करूंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बजाय तो ठीक है, ना नजला है ना जुकाम है ना बुखार है और ना ही ढिड में पीड़ है। बस यूं समझ मारो कल रंगों के सितारे पुट्ठे चल रहे हैं। उन्हें तो अल्लाह ही सीधा करेगा। ना मारो ना, अल्लाह सोने रहे हैं कुछ कम इंसान के बस में भी रखे। नहीं नहीं रंगू, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। इसका मतलब है ये जो शादी होती है ये भी अल्लाह के वश में? बिल्कुल, वरना मेरी शादी अचानक तुमसे ना होती। अच्छा जी, मतलब अगर रंगू की किस्मत में तीसरी शादी है तो ये भी अल्लाह के वश में? हाँ ना। तो फिर मारो, इसे अल्लाह की मर्जी समझ के मुझे इजाजत दे दे। किस बात की इजाजत? तीसरी तेरे सुनने वाली बात नहीं है। क्यों? ये तेरी बीवी नहीं है?
बीवी? तो फिर इसे भी बताओ ना कि तुम तीसरी शादी करना चाहते हो। हाय मैं मलदी, तेला पाथ नहीं लेना दंदू। मालूत थोड़ी लेते आ तू भी, और एक तो मुझे भी दे। और इसे समझा मारुख, और तू भी बात समझने की कोशिश कर, बस आ जा। क्या समझाऊं इसे? और अब मेरे बस में कुछ नहीं है, बात सुन लो मेरी। अगर तुम दोनों ने मुझे तीसरी शादी की इजाजत ना ना दी तो मैं तुम दोनों को छोड़ के चला जाऊंगा। तलाक। मार ले, एक और मार ले मारुख। इतने महीनों से मैंने तुम दोनों से कभी कुछ नहीं मांगा, सरासी बात की तो ठीक है। अगर तुझे मेरे एहसान याद नहीं है तो ठीक है। कौन से एहसान? भूल गई है मारुख, ये मल्ला गवाह है कि तू दुल्हन बनी थी, किसी का इंतजार कर रही थी, पर वो तुझे दुल्हन बने छोड़ के भाग गया था। तू मेरे पास आई थी भागी भागी, और मैंने लुबना अमीत को छोड़ के तुझसे शादी की थी, हालांकि पर्ची उसके नाम की निकली थी। फिर भी अगर तुझे मेरे एहसान याद नहीं है तो मैं तुझे याद दिला के क्या करूंगा मारुख। अब्बा जी ज्यादा हो गया। और ना मेरे बच्चे, ना बच्चे बड़ों की बात नहीं बोलते ना। मालूत इतके लोने में ना आना। अगर मैं तुझे इजाजत दे दूं तो तेरा एहसान उतर जाए। मैं ठीक हो जाऊंगा मारुख, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तेरी कसम, मैं काम भी करने लगूंगा। अपने मोहम्मद रफीक को मैं स्कूल में दाखिल कराऊंगा, हक लाल की तुम तीनों को खिलाऊंगा। बस अपने डंगू की आखिरी ख्वाहिश समझ के उसे तीसरी शादी की इजाजत दे दे। मारो खिजा, मेरे बस में कुछ नहीं है। एक तो मियां जी आपकी समझ नहीं आती, पहले आग लगाने का कहते हैं फिर कहते हैं बुझा दो इसे। किसी दिन इसी हलाशेरी में आपने रोकना है और दुश्मन ने गोली मार देनी है आपके परी पैकर को। अल्लाह से रहम मां पुत्री, मारने से डराया अच्छा होता है। ये वक्त वो नहीं है मियां जी जब लोग सांप की फुनकार सुन के उसे डर जाया करते थे, अब तो सांप के सामने उससे बड़ा सांप बन के खड़े हो जाते। पले का जमाना नहीं रहा। देख पुत्री, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पिछाड़ा जाता है, नहीं तो अच्छी बातें तो दीवारों पे भी बहुत लिखी होती हैं। दीवारों पे लिखी बातों पर भी लोग अमल नहीं करते मियां जी। हालात देखते कैसे हैं फिर फैसला करते हैं नफरत का और मोहब्बत का। ठीक कहता है पुत्री, लेकिन जरा सोचो, बाज़ औक़ात हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इंसान इंसान से नफरत पर मजबूर हो जाता है। उस वक्त उन हालात से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। तो क्या करूं मियां जी,
उस गुलजार प्रांति को सीने से लगा लूं। उसे माफ नहीं करना मैंने। कड़ी टली है आपकी वजह से, मुड़ी नहीं। तुम लोग नहीं चाहते कि ये मोहम्मद रफीक निकाह मासूम अपने अब्बे के ब्याह पे सरपाला पड़े। कितना नया पानी और कितना अच्छा लगे, ब्याह भी अपना पुत्र भी अपना। जाओ कर लो नाटक मालूत, इतने बाज नहीं आना, हम दोनों की जिंदगी पर बात करते नहीं इतने। तो पहले कौन सा जिंदगी हमारी बात है, कर लेने दो इसे। और मैं नहीं करने दूंगी, मार दूंगी या मार डालूंगी। तुम जा रहो, इसे मैं समझा लूंगी। ना मैंने नहीं जाना, तूने जाना परी पैकर के पास। परी पैकर? नहीं, वो नहीं मानेगा। हो बेवकूफे, तेरी खुशी पे जान देता है परी पैकर। अगर तू बात करेगी तो मान जाएगा। किससे करना चाहता है तू शादी? ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह सोने की। सासन की पति जी है ना, वो भी तुम्हें चाहती है। दिल का तो पता नहीं, पर तेरे रंगों को देखती बहुत है। ठीक है, मैं कल बात करूंगी। ना ना मारो, देख जो कुछ करना है अच्छी करना। कल तक तो उस बेचारी का निकाह हो जाएगा। अगर मैं पहला उम्मीदवार हुआ ना तो मुखालफत में कोई नहीं आएगा। बस तू मेरी खातिर, अपने रंगों की खातिर परी पैकर को मना ले। चा, चा मना ले परी पैकर को। देख मान जा पुत्री, जिद ना कर। मन तो गया हूं मियां जी, नहीं गया उसके पीछे। खैर तो है, तुमसे कुछ मांगने आई हूं। जरूर उस घटिया इंसान ने पैसों की डिमांड की होगी। और मियां जी पैसे तो उसे दे दिए मैंने, अब क्या मांगने के लिए भेजा तुझे? पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि इनकार नहीं करोगे। तुझे ऐसा क्यों लगता है पुत्री कि एक भरा अपनी भैन को इनकार कर देगा? मुझे यकीन है मियां जी कि ये मेरी खुशी पूरी करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। तो फिर बोल। मगर ये खुशी मेरी नहीं, रंगों की है। बस ये जरूर उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। नहीं मियां जी, उसने मुझसे कुछ मांगा है। क्या मांगा? वादा करके आई हूं उससे कि तुम्हें मना लूंगी। बोल तो सही पुत्री, क्या वादा करके आई है और किस बात पे मना लेगी इसे? पहले ये मेरे सर पर हाथ रखे। रख भाई। बोल। रंगों की तीसरी शादी करवा।
तेरा दिमाग तो ठीक है मारुख, जानती तू क्या कह रही है? जानती हूँ। तेरा मतलब है तू एक और सौकर अपने ऊपर लाना चाहती है? और शगुफ्ता तो चलो ठीक है, तुझे अपनी बहन समझती है, तेरी खिदमत में लगी रहती है, इसलिए हमने भी उसके सिर पर हाथ रखा है। अब अगर ये तीसरी आ गई तो कुछ नहीं होगा मियां जी। पर तू ऐसा चाहती क्यों है? उसने अपने एहसान का बदला मांगा है मुझसे। कौन सा एहसान? वही जो सरमद के भाग जाने पर उसने मुझसे निकाह करके किया था, इसीलिए तो एक बहन अपने भाई से अपने शौहर की खुशियां मांगने आई है। वो खुश होगा तो मैं भी खुश होंगी, मैं खुश रहूंगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा। शादी किसे करानी? साजन की भतीजी से। उसने अपने एहसान का बदला मांगा है मुझसे। कौन सा एहसान? वही जो सरमद के भाग जाने पर उसने मुझसे निकाह करके किया था, इसीलिए तो एक बहन अपने भाई से अपने शौहर की खुशियां मांगने आई है। वो खुश होगा तो मैं भी खुश होंगी, मैं खुश रहूंगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा। शादी किसे करानी? साजन की भतीजी से। मैं तो कहता हूं इस टीठ रंगों को चौक में लिटाकर छितर मार पूत रही। नहीं मियां जी, वो ठीक हो जाएगा, उसने मुझसे वादा किया और तुमने भी मुझसे वादा किया है कि मेरी बात मानोगे। आपने बताया मियां जी, मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं? मुझे तो इस उम्र में इस बात का आज पता चला है कि कभी बात जाने बगैर कसम ना खाओ। अब देख लो, उसने इसे मना लिया है, किसने तुझे फंसा दिया? बोलो क्या जवाब दूं उसे? तू बेफिक्र होके जा, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा, बस एक बार मुझे बात करने दे। रंगू को लेकर आया मेरे पास। पागल हो गए सारे, और जिसकी खुशी पूरी करने के लिए हाक जता रही है उसे जानती नहीं हो? और ऊपर से वो परी पैकर वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। मियां जी किसकी बात कर रहे हैं? है एक और तेरी तरह की जिद्दी इस मोहल्ले में, वो मारूख। पहले सरमद की जिद में आके उसके बीवी से शादी कर ली, हमारे सिर पर बिठा दिया, फिर उसकी पहली बीवी आई तो उसको कलेजे से लगा लिया। अब कहती है कि उसकी तीसरी शादी करा दो ये सुधर जाएगा। लदस ओ पला, ये शक्लें हैं सुधरने वाली? तीसरी शादी? पागल हो गई है वो। ये कहा मैंने उसे, तो आगे से कहने लगी इसने मुझे अपना नाम दिया है, मैं इसका एहसान उतारना चाहती हूँ। ओ बंदा पूछे भाई ये कौन सा तरीका है किसी का एहसान उतारने का? जब किसी का एहसान ही उतारना है मियां जी, तो फिर अच्छा बुरा तरीका क्या देखना, उसे यही बेहतर लगता होगा। पर ये जरूरी तो नहीं है ना पुत्री कि जो तुम्हारी सोच हो उसे मेरी सोच भी सही समझे। किससे करा रही है वो तीसरी शादी रंगी की? वो साजन की भतीजी है ना मानो,
उससे। चले होने दे मियाँ जी, इस मोहल्ले में किसी की खुशी तो पूरी होने दे। जाने मन जाने जिगर परी ताकर शहजादा नहीं, अब शहजादा नहीं, लाड़ा। टेंशन ही लेनी आपने, पैसों की बिक्री नहीं करनी, अगले चक में एडजस्ट कर लेंगे। कमी देनो इस हिसाब से कुछ गुफ्तगु करनी। फैसला कौन इसे फैसला मानने में दुश्वारी ना हो, इसलिए कल्याण छड़ देन। ये आपने बड़े अच्छा फैसला किया, कैसे बार पे किया, बड़ी कसिया आदत है इसमें, हर बात पर टांगड़ आता है, बुद्धा जिया ना हो वैसे पता पाओ कुछ नहीं, और ज्ञानी भी तक चढ़ाओ जा मेरे पास। मारो आई थी मेरे पास, बताया उसने घर जाके कि आपने बात करने की हामी भर ली है। वही बात करने के लिए बुलाया तुझे? नहीं भाई ना, मेरा ख्याल है कि वो आपको बात समझा नहीं सकी या आपकी समझ में नहीं आई। बात मुझसे नहीं करनी, बात तो करनी है साजन से। तेरी कोई बहन है इस दुनिया में? नहीं, तेरी थी वो भी मतराई। सगा कोई नहीं, सगा मेरा भी कोई नहीं, पर जिसके सर पर हाथ रख के बहन कह दू तो उसे सगी से ज्यादा अहमियत देता हूं। इसी बात में तो मुझे फकर है कि मेरा दादा बहुत अच्छा। आखिरी बार कह रहा, तीसरी शादी की बात अब कभी नहीं करनी? क्यों? कामी तो कमरे बादशाह, तीसरी शादी से मना किया इसे, आगे से कहता क्यों? मेरे वापस आने तक ये क्यों तीसरी शादी के इनकार में बदल जाना चाहिए? शोकम घर में जाने जिक्र पड़ी बगल मेरी बात। हाँ हाँ इनकार या हाँ? मेरी बात का बगैर किसी डर खौफ के जवाब देना। कौन सी बात? तुझे रंगू से शादी करने में कोई इतराज तो नहीं? रंगू जो पहले से दो दिन कुछ और है, आए दिन इस मोहल्ले में तमाशा देखती हूँ उसका, मैं शादी करूंगी से? कभी नहीं, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। ठीक है, वेरी गुड।
हया करो, कल मेरा तीसरा निकाह क्या कर रहे हो? जाने मन जाने जिक्र सारी पैकर से ज्यादा लगा। तूने बाघ आ गई या नहीं? ठीक है, मैं बाघ आ गया था। आपने दोनों के सिर पे हाथ रखा है ना, तो मैं दोनों को तलाक दे के चला जाता हूं। परी पैकर, दोनों ने बेगा हो जाना, दोनों ने एक साथ बेगा हो जाना। लोग क्या कहेंगे कि जाने मन जाने जिगर परी पैकर ने अपनी उस बहन को बेवा कर दिया जो उसके होने वाले भांजे की मां बनने वाली। परी पैकर, एक बस एक आखिरी मौका देखे तो बेटा श्रेणी लिया से चार जायजा मैं तेन पे फुल स्टॉप पाता है काम भी करने लगू। जाने मन जाने जिगर परी पैकर मेरे साथ है, तीनों को एक साथ कुछ भी रखूंगा, बस एक बार उस बार करके तो देखो। नहीं तो फिर ठीक, ये पिस्तौल मुझे दो, मैं अपनी कटपटी पर रखे खुद अपने आप को गोली मार लेता हूं। कम से कम मुझ जैसे कठिया आदमी का खून आपके सिर तो नहीं चढ़ेगा। लो लो पिस्तौल मुझे दो, और परी पैकर दो यार पिस्तौल दो, दो पिस्तौल। कल के निकाल की तैयारी करूं। तुझे क्या हो गया मारू? अपने हाथों ही अपना घर बर्बाद करने चलिए, ये घर तुम्हें आबाद लगता है क्या? हवन देगा तुम्हारा, तुम्हारे कहने या मेरे समझने से क्या होता है? इतनी समझ में कोई बात नहीं आनी, खुद तो बर्बाद हो दी, मुझे भी तले दी और मेरे मोहम्मद रफीक तो भी। देख मारू, तेरी पैकर ने सिर्फ तेरी खुशी देखनी है, और मैंने रंगू के एहसान को जो उसने मुझसे शादी करके किया था। एहसान नहीं किया उसने तुम पर, एहसान ही किया था। उस दिन अगर कोई मुझसे शादी ना करता तो कौन करता? उसने मुझसे शादी करके एहसान किया है मुझ पर, तुझ पे दिया होगा, मुझ पे नहीं। मैंने उसको उल्टा के रख देना, देख लेना। इसको देखकर मुकाबला करने का हौसला पैदा कर, हौसला करके ही तो परी पैकर से बात करके आई। पता नहीं कैसे जब्त किया था मैंने अपने आप को। मेरा ख्याल है उसे गोली मार देते हैं, दोनों बेवा हो जाएंगे। एक तरफ तलाक और दूसरी तरफ बेवा होने के खौफ में फंस गया मेरे बाश। इसके अलावा कोई हल नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। अच्छा रंगू ने खुद वादा किया कि वो ठीक हो जाएगा,
रंगू के वादे पे इतबार करना पड़ेगा, इतबार करना पड़ेगा। और फिर उस बैल का मान भी तो रखना है जिसने पहली बार हमारे दावे से कुछ मांगा। तो साजन तेरा इनकार करना बनता है। मुझे भी शर्म आ रही है ये रिश्ता मांगते, पर मैं क्या करूं यार, मेरी मजबूरी ना। ना जाने मन जाने जिगर परी पैकर, साजन की तो जान भी कुर्बान है तुम पर। वादा है मेरे पास जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी, प्रॉमिस। मानोगी मैं मानने वाली नहीं करूंगी दुनिया जी, मारे सलीम जी जी आया नो। ओए मुझे अब बोतलें खोले सबके लिए, चल शाबाश है, आओ आ जाओ आगे आ जाओ। मैं जाऊंगी मैं खुशी में चन चढ़ने वाला है मियां जी वारिस अली। आपने कल मशवरा दिया मुझे, मैंने सोचा तुझसे पूछा, तुम्हें ना दिल दे बैठा किसको, जिसको मैं मांगने आया हूं बना दिया उसने गुलजार प्रांगी को तेरे सामने। बोल क्या चाहता है मुझसे, जिसका शगन लेके आया हूं उस पूरी का रिश्ता मांगना। तूने देर कर दी है गुलजार प्रांगी, कल मशवरा दिया वे आज मुझे कर दिया, देर कैसे होगी। सिर्फ देर नहीं बहुत देर हो गई है, मैंने उस लड़की की बात पक्की कर दी हुई है। आज मुझे भी कर दिया।
देर कैसे होगी? सिर्फ देर नहीं, बहुत देर हो गई है। मैंने उस लड़की की बात पक्की कर दी हुई है। देखे हड्डी का जोड़ गलत लग गया है तो उसे दोबारा कच्चा करके जोड़ देते। अगर आपने उस लड़की का रिश्ता कहीं जोड़ दिया गलत समझ के तोड़ दे उसे ना। ना कर गुलजार परांदी, ये जुबान एक गैरतमंद ने दी है और गैरतमंद जुबान के पीछे जान दे देते हैं। सत बिस्मिल्ला करा। फिर तो बात बिगड़ जानी है। जाने मन जाने जिगर परी पैके शहजादा। सत बिस्मिल्ला करा। अगर कलमा याद है तो वो भी पढ़ ले, क्योंकि उस दिन मैं यहां नहीं था इसलिए तू बच के चला गया। आहा। अल्लाह तुझे मेरी नजर से बचाए। पर तू मेरी नजर से नहीं बचेगा। तेरी इस बात से डर गया हूं मैं। डरेगा नहीं तो मर जाएगा, डेथ हो जानी तेरी। गुड, अच्छा देख ले मियां जी बारसली डरा रहा लाडला। ओ नहीं नहीं, डरा नहीं रहा, तुझे समझा रहा है। इतना वदान ना वदा के बाद में तुझसे संभाला ना जाए। मैं तो रिश्तेदारी बनाने आया था, तूने मियां जी वारिस अली नाम है इनका। जुबान से बेअदबी तो बहुत दूर की बात है, मेरे बादशाह इनकी आंखों में आंखें डाल के भी कुछ देख रहे तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता हूँ। सत बिस्मिल्ला करा।
और ना परी पैकर अब यार ये मेरे किस काम की, मैं तो कहता हूँ किसी गरीब को दे देता हूँ। रंगो अच्छा जी दुश्मनी में हाथ मिल जाए तो कोई लाश गिरती जरूर है। इधर तेरी बंदूकों के बारूद में इतना दम नहीं है कि परी पैकर के सीने को छलनी कर दे। गुलजार परांदी उर्फ गुली मैं दूसरी बार इस मोहल्ले से खाली हाथ जा रहा हूं, पर ये रोज रोज नहीं होना। बब वो लड़की हमारे खानदान की जिद बन गई है। जिद मैंने बयानी है, सत बिस्मिल्ला करा। रोका गुल्ली जिस दिन तूने जिद बयाने की पहल की ना तो मुझे कसम है मियां जी वारिस लेगी। चार बंदों के कंधों पे यहां से जाएगा तू। सत बिस्मिल्ला करा। दोबारा यहां आया तो इन लीला चाले मन चाले जिकर मियां जी वारिस अली। और जा तैयारी कर चीचों की मलियां जाने की। नहीं वो अपने निकाह की हैंडसम बन के आई। बड़ी तकलीफों में गुजरी है मेरी जिंदगी। जब प्रफीत होने वाला था तो मुझे थोड़ते भाग दिया था, मेरा अब्बा बदलते लाया था इतको। फिर इसने तस्मे थाई थी, क्या बैठा नहीं था लेता। फिर जब यहां आई तो पता लगा कि तुझसे थादी तर ली है, और अब तू इतासत दे लिए इसे तीसरी थादी थी। मैं तो भुगत रही हूं, तू भी भुगतेगी मालूम। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होना है, इसलिए मैं ये थादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे या मेरे रोकने से उसने रुक जाना है क्या? और जी हुकुम। आपको तो इस मोहल्ले की हर खबर होती होगी ना। क्यों नहीं जी, नहीं जो हुआ मोहल्ले का। तो फिर बताओ
वो लड़की कौन है, किस घर से ताल्लुक है उसका? कौन सी लड़की जी? जिसके शगन गुलजार परांदी लेके आया था, जो वापस कर दिए गए। वो क्या हुआ साजन? कुछ नहीं, मेरा नाम जिया है और मैं गुलजार परांदी की बहन हूँ। भाई शगन लेकर वापस गया तो उसने बहन को भेज दिया? नहीं, मुझे उसने नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद आई हूँ उस हसीना को देखने, जिसे देखकर हमारे खानदान के लड़के को कुछ और दिखाई ही नहीं देता। क्या करोगी देखकर? फैसला करूंगी, वो इस काबिल है कि हमारे खानदान की बहू बन सके? वो काबिल है या नहीं, तुम्हारे घर की बहू नहीं बनेगी। देख तो सकती हूँ, या वो भी नहीं। साजन पुत्री, बुला जरा मानो को। मानो, ओ मानो। जी चाचा। इधर आ। ये क्या बात है मियाँ जी, और ये कौन है? ये गुलजार परांदी की बहन है पुत्री, और तुम्हें देखने आई है। क्यों? थैंक यू। रुक जा पुत्री। पहली बार हमारे मोहल्ले में आई हो, बगैर कुछ खिलाए वापस नहीं जाने दूंगा। ये जानते हुए भी कि मैं दुश्मन की बहन हूँ? बेटियां और बहनें सबकी साझी होती हैं, और तुम इस वक्त सिर्फ हमारी मेहमान हो। मैं तो समझती थी इसी मोहल्ले में पागल रहते हैं, पर आसपास की गलियां भी पागलों से भरी पड़ी। देखा ही हूं तुम्हारी पसंद को। अच्छी लगी ना? Not bad, मगर इतनी भी अच्छी नहीं कि हमारे खानदान की बहू बन सके। दिल की आंखें नहीं होती, वरना आपकी बात की ताई जरूर करता। जिस पर आता है ना, फिर नहीं सोचता कि वो कैसी है। उन्होंने इनकार कर दिया है। कोई इनकार कर दे तो क्या दिल से निकल जाता है? नहीं, जब कोई दिल में एक दफा आता है फिर कभी नहीं निकलता। फिर क्या, उसे अपनी यादों में बसा लो, या फिर अपनी निगाहें किसी और की तरफ मोड़ लो। तुम्हें एक बात बताऊं, उस लड़की की नजरों में मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। पासे बड़े लौंग लौंग कर रहे। मोहम्मद रफीक, आज तूने शाम को अपने अब्बे के नकाब पे सरबाला बनना। सरबाला क्या होता है? अब मेरे बेटे को सरबाले का नहीं पता,
मैं बताता हूं, वैसे तो सरबाला जो होता है ना वो दूल्हे का नजर बट्टू होता है, पर आज हिसाब भी पुठा हो जाना है। मुझसे पहले मेरे पुत्र को नजर लग जानी है। सोनी माँ का सोना पुतल जो हुआ आए 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 आए। मोहम्मद रफीक अपने अब्बे से पूछ ले कि नाश्ता करेगा तो नहीं। मोहम्मद रफीक अपनी पहली माँ से कह दे कि आज तेरे अब्बे ने तेरी होने वाली तीसरी माँ के साथ जो निकाह है ना उसके चौल खाने। टिच बटन है। मेरा मतलब है मारक साहिबा, सेज आपने सजानी है ना, रोनी सूरत नहीं बनानी, खुशी खुशी इजाजत दी है, खुशी खुशी सेज सजानी है। गुलाब का फूल आया है इतका बेला गलक हो जाना, बहुत ही ढीठ है, दुआ भी इससे दूर रहती है। देखना आज ऐसा तभी तलाते आंदी ना दा तरते दिखाए मुझे उठते। अरे लुबना जी ये क्या कर रही है, मुझे जगा दिया होता मैं बना देती। सीखने दो भाई, इसके घर जाके भी तो खुद ही पकाना पड़ेगा। तो मेड नहीं रखेंगी? मेड दूसरे कामों के लिए, खाना वाना तो मैं ही पकाऊंगी ना। सुना है उसे जबान खद पाए खाने की आदत है, वो भी हैवी नान के साथ, ये सब कहाँ खाएगा। शादी की शुरुआत में ना जिंदगी बदल जाती है, शादी के शुरू में ही आदत डाल दूंगी। अच्छा जल्दी से नाश्ता करना फिर शॉपिंग पे जाना। शॉपिंग? लुबना जी भूल गई, इस मोहल्ले के दामाद की तीसरी शादी है। और तुम्हें यह लगता है कि मैं उस कमीने रंगू के निकाह में शामिल होंगी? परी पैकर ने रिश्ता तय किया। अगर परी पैकर ने गलत फैसला कर लिया तो जरूरी तो नहीं कि मैं भी उसकी तायद करूं। इसका मतलब है साजन की भतीजे की जिंदगी बर्बाद हो गई। और नहीं तो क्या, अब देखना कितना बुरा करेगा उसके साथ। तुम समझने की कोशिश करो, ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी कैसी शख्स से कर रहे हैं जो पहले दो बीवियों का शौहर है। जी चाचा जी। किसका फोन है? वो छानो मेरी सहेली, इसी शहर में शादी हुई ना उसकी, वो मुझसे मिलना चाह रही है। बुला लो उसको शाम को अपने निकाह पर। यहां ऐसे क्यों बैठे हो? आज शाम को उसका निकाह है। इसमें इतना उदास और बुरा मनाने वाली भला क्या बात है? उनकी बेटी है, वो जहां चाहे उसका रिश्ता करें। कहा था उन सबसे इस लड़की की बात कहीं और ना करें। क्यों ना करें लाले? मेरी ये बहने पुराने वक्तों में लोग औरतों को अपने फैसलों में इन्वॉल्व नहीं करते थे, जानती है क्यों? कि औरतें अपनी कम अकली की वजह से फैसलों के रुख गलत से मोड़ देती हैं। वो पुराने वक्तों की बात थी लाले,
आज मर्द अपने फैसलों को गलत रुख देते हैं और औरत उन्हें सही सिमत में डालती है। हर औरत के दिल में खौफ होता है और यही खौफ मर्द को बुजदल बना देता है और बचा भी लेती है मर्द को बेमौत मरने से। तारीख हमेशा इंसानों के लफ्ज लिखी गई है, लेकिन इस तारीख में लोगों को वही लोग याद हैं जिन्होंने मोहब्बत में जान दी। सत बिस्मिल्लाह करा, तू अपना दिल छोटा क्यों करता है छोटे? है मैं जो हूं हाथ से जमा तफरीक जी, पता कर उस कुड़ी का निकाह किस घर में हो रहा है। बैठो पुत्री बैठो बैठो। जाओ भैया, वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रही थी पुत्री? कुछ भी नहीं, सहंदी तो बता आ ली थी, तू नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए बाबा जी, ओ खुदा का खौफ खाओ, इसे कोई पुट्टी पट्टी नहीं पिलानी। ओए उसे तो मैं समझा लूंगा, इसकी तो मुझे समझ नहीं आती, समझाऊंगा खेते मिट्टी। पुत्री बंदर भी इंसानों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, पर इंसान इंसान से कुछ नहीं सीखता। तेरी तरह बढ़ता है, अब तुम्हारी नसीहतें सुनना बढ़ता है, फिर पे हाथ जोड़ खा लिए तुम्हारा। निकल गया था तू दर्जी के पास शेरवानी सिलवाने, पर उसने कहा कि अर्जेंट शेरवानी नहीं मिल सकती। मैंने कहा चलो किराए पे दे दो, वो एको दिन तो पहननी है शेरवानी, इतनी महंगी सिलती है। कफायतशारी अच्छी चीज है ना जनाब याली? कफायतशारी के साथ साथ अपनी नीयत में सब्र भी पैदा कर पुत्री, क्योंकि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों से। लगता है बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है मैंने। इस बाबे से पुट्ठी बात करो या सीधी, अग्गे से नसीहत लपेट के बंदे के मुंह पे दे मारता। अच्छा लो दूल्हा तैयार नहीं करना, ताला अंदर। ये तू आ किस चीज का है? किसी चीज का नहीं है और मीस नहीं है, कुछ कर तो नहीं रही। कर जीनी जी, मौलवी आ गया पुत्री, चला जाओ। मैं क्या करूंगा मियां जी, तीसरा ब्याह कराएगा उसका और क्या करेगा। मियां जी आपने फसाया था सिर पे हाथ रखवा के, आप ही करवाएंगे। और तू, तुम्हें नहीं आना? नहीं मियां जी, वहां जाऊंगा तो
खिड़की में खड़ी उस बेवकूफ को देख के मेरा दिल फट गया। जो दिल में रोते हैं पुत्री, वो अपनी आंखें नहीं दिखाया करते। माहरुख कभी खिड़की में नहीं आएगी। पर मियां जी, मेरी नजर तो खिड़की में पड़ेगी ना। आप प्लीज जाए, मैं निंदर की गोली खा के सोने लगा। ना पुत्री, नींद के लिए जो नींदर की गोली का सहारा लेते हैं, फिर एक दिन आता है नींद की गोली खा के भी उन्हें नींद नहीं आती। इसकी आदत पर डाल, आज का दिन सोलने दे, सुबह तक जख्म पुराना हो जाना। प्लीज आप जाएं, पर मैं अकेले क्या करूंगा? आप बड़े हैं मियां जी, बुजुर्ग हैं, आपका मां होना जरूरी है। बल्कि मेरी तरफ से भी उस कमीने के गले में हाथ डाल दीजिएगा। मैं नहीं जाना मां। सॉरी मियां जी। It is all right. बेटा जी, आपने तो कहा था कि लोग मुझे पैसे देंगे। हाँ तो देंगे ना, मामूजान कहा है? मेरा मतलब जाने मन जाने टिकट परी पैक कर लिया। आया होता तो नजर ना आ जाता पुत्री। अकलमंद आदमी है, इस खुशी के मौके पे मिठाई लेने गया होगा, मानता है उसका। हाँ बेटा जाकर। मियां जी, लड़की के दस्तखत। अपना साजन पुत्री, मौली साहब को साथ ले जाओ और मानो की इजाजत भी लो और उसके साइन भी करवा दो। मियां जी, मैंने एक फैसला किया, कल से इंशाल्लाह इस दुकान पे काम करना शुरू कर दूंगा। घर से अपनी जो हो जाएगी। मुझे नहीं लगता अब्बा जी। ना बेटा जी, इस खुशी के मौके पे थत पूना नहीं डालना। मेरा मतलब है कि अपनी थती माँ की जुबान नहीं बोलनी। खुशी का मौका अब्बा जी का तीसरी है। मियां जी, मियां जी, वो मानो। मियां जी, इसने जरूर मानो को कुछ खिला दिया होगा। क्या हुआ है मानो को? वो अंदर नहीं है। क्या? रख गई।
वो गुनाहगार है हमारा, दोनों को पकड़ कर लाना है मेरे पास। मियाँ जी, लड़का चाहे भाग जाए खैर है, पर लड़की को पकड़ के वापस जरूर लेके आना। निकाल रेलवे स्टेशन, बसों के अड्डे, शहर से बाहर निकलने की जो दो भी जगह है वो सारी चेक करनी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। हुक्म। इतला मिली है कि इस मोहल्ले से कोई लड़की भाग गई है। किसने इतला दी है? मैंने मियाँ जी, वारिस अली। मैंने आफ्टर ऑल वो लड़की हमारे खानदान की इज्जत। मेरा मतलब है गुलजार पड़ांदी साहब, जरा ध्यान दे यार। हाथ मेरा वही पुरानी कहानी, लड़की एक और दावेदार दो, और रिपोर्ट में मुद्दई कौन बनेगा? अब्दुल मजीद साहब, वो लड़की हमारे मोहल्ले की इज्जत है, अगर रिपोर्ट करानी हुई तो हम सब मुद्दई बनेंगे। बहरहाल अभी आप तशरीफ ले जाएं, हम अपने मोहल्ले की इज्जत को थाने कचहरियों में ले जाके उसकी मिट्टी पलीत नहीं करना चाहते। मैं समझ गया मलिक साहब, मैं समझ गया। अगर ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहते तो आप मेरी रिपोर्ट भी कैंसिल कर, आप जाएं। शाबाश। वालेकुम। मियाँ जी, वारिस अली, मुझे पक्का यकीन हो गया है उस लड़की को मुझसे बचाने के लिए आप ड्रामा रचा रहे हैं। इधर आ। अपनी बकवास बंद कर और चुप करके यहां से चला जा। चला जाता हूं मियाँ जी, चला जाता हूं। लेकिन आपके पास आज रात 12 बजे तक का टाइम है, अगर लड़की बरामद ना हुई तो आप मियाँ जी, इसका मतलब है कि आज रात गुलजार परांजी के ख्वाब में जाग के गुजारनी पड़ेगी। कल्ले तुझे जागने की कोई जरूरत नहीं है पुत्री, जा तू जाके आराम से सो जा। ठीक है मियाँ जी, आपके हुक्म की तामील करता हूँ, मैं जाके सो जाता हूँ। वैसे भी तू लेकर ऐसे करना बहुत जरूरी है, हैं, फ्रेशनेस के लिए। लेकिन जब मानो मिल जाएगी ना तो मुझे वापस बुला लेना, और मौली साहब को सोने नहीं देना। मौली साहब जनाजा पढ़ाने गए हैं। किसका? मेरी इज्जत का। हौसला कर साजन, हौसला कर। मैं गांव जाकर पता करता हूं। जिन लड़कियों पर वालिदैन जबरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत करते हैं वो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, जबकि इस्लाम में लड़के और लड़की की रजामंदी जरूरी होती है।
हाँ ठीक है, लेकिन वालिदैन का भी तो हक होता है। वालिदैन औलाद के लिए जो भी फैसला करते हैं उनकी बेहतरी के लिए करते हैं, जो उन्हें बेहतर लगता है। शादी के बाद जिंदगी औलाद ने गुजारनी होती है, वालिदैन ने नहीं। और कम से कम वो लड़की तो उस रंगू के साथ कभी भी खुश ना रहती। वैसे ये गुलजार पर आंधी मेरी तरफ देख के जो सत बिस्मिल्लाह कह के क्या है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह खैर क्या कर रहे मानो ने अच्छा नहीं किया। जी कौन है अंदर? फारूख अहमद जी का दरवाजा खोलो। मानों को ढूंढने गए हैं और मिल जाना उसने। ओए खुदा का खौफ खाओ और पीटी ना करो और सेहत तो खराब ना करो यार, दरवाजा खोलो। अच्छा जी हमारे को अम्मा मदर ठीक है यार, तेरी तो नहीं अम्मी आने वाली है, तू तो कुछ ख्याल कर यार, दरवाजा खोल। हेलो हमारा घर अच्छा ती अम्मा मदर ठीक कुंडी ऊपर लगी है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तो यार अपनी अम्मी को उठा ले। इसको इसको ना इसको चल इसको, इसने मना किया है। तो फिर उसको उसने भी मना किया है। और कान खोल के सुन लो, ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, देख लूंगा मैं तुम्हें। मुझे पता था और रंगू की पहली धमकी काम आ जाएगी। चलो उठो दरवाजा खोलो, चलो सब आओ आओ खोलो दरवाजा चलो। और किसी पीटी मास्टर की बच्ची हो, खिड़की नहीं दरवाजा, दरवाजा वो है, दरवाजा खोलो।